साउथ अमेरिका में मौजूद अमेजोन रिवर जंगलों के बीच से गुजरता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी माना जाता है। इस रिवर के पानी में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा पाया गया है, जो हम इंसान के साथ साथ बड़े जानवर को आराम से निगल सकता है। ऐसे ही अमेजोन रिवर के पानी में एक से एक छोटे बड़े जीव रहते हैं, जो चाहे बड़ा हो या छोटा किसी से कम नहीं होता। ये बहुत ही खतरनाक और भयानक होते हैं, जिनसे इंसानों को दूरी बनाकर रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल और आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं अमेजोन रिवर के 10 सबसे खतरनाक एनिमल्स से। नंबर 10, ब्लैक कैमिन एलिगेटर। ये एलिगेटर दिखने में ही नहीं बल्कि रियल में भी बहुत ही खतरनाक प्राणी है। ब्लैक कैमिन एलिगेटर एलिगेटर के प्रजाति का सबसे बड़ा प्रजाति में से एक है। इसका लंबाई 5 से 6 मीटर और वजन 450 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी है। अगर इसके सामने सबसे बड़ा एनाकोंडा ही क्यों ना आ जाए, ये उसे भी मार कर खा जाता है। ब्लैक कैमिन फिश, बर्ड और बड़े बड़े जानवर का शिकार करके अपना भूख मिटाता है। ये पानी के अंदर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तैरता है। नंबर 9, ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप दुनिया का सबसे लंबा सांप होने के साथ साथ ये सबसे खतरनाक शिकारी भी है, जिसके वार से जगवार भी नहीं बच सका। ग्रीन एनाकोंडा अपना भूख मिटाने के लिए बड़े से बड़े जानवर को मारकर खा जाता है। ग्रीन एनाकोंडा एक भारी भरकम सांप है, जिसका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। ग्रीन एनाकोंडा अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग अपने शिकार को दबाने और कुचलने के लिए करता है। नंबर 8, अरापाइमा। इसे आप पिरारुकू के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये खासकर अमेजोन के बेसिन में पाई जाती है। इसका खासियत इसका शक्ल है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह कठोर होता है। ये 2.7 मीटर तक बढ़ सकता है और इसका वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। अरापाइमा छोटे मोटे मछलियों का शिकार करता है, लेकिन कई बार इन्हें पंछियों का शिकार करते भी देखा गया है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मछली पर एक बुरी आत्मा का साया है, जो लोगों को उनकी नावों से खींचकर मार सकती है। नंबर 7, जाइंट ऑटर। जाइंट ऑटर ऑटर के और प्रजाति से सबसे बड़े आकार के होते हैं। इसका साइज 2 मीटर तक बढ़ सकता है। अगर बात करें इसके खाने का, तो ये छोटे बड़े मछलियों और केकड़े को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमेशा अपना शिकार एक ग्रुप बनाकर करता है। आमतौर पर अमेजोन रिवर में पाया जाने वाला जानवर के करीब कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वे बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन जाइंट ओटर दिखने में ही बहुत प्यारे दिखाई देते हैं, जिसको देखने से आपको इसके पास जाकर इसे खेलने का मन करेगा। लेकिन जरा बच के, क्योंकि जाइंट ओटर को कई बार ग्रीन एनाकोंडा पर हमला करते देखा गया है। इतना ही नहीं, कई बार इसे ब्लैक साइमन पर भी ग्रुप बनाकर हमला करते देखा गया है। नंबर 6, कैंड्यूरू। ये दिखने में ही बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये अमेजोन रिवर में मौजूद बड़े जानवर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये मछली किसी इंसान पर हमला करने के बजाय उस इंसान के शरीर में घुस जाता है, जब कोई रिवर में टॉयलेट करने का कोशिश करता है। शुरुआत में भले ही इस मछली का शिकार बने इंसान को कुछ खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उस इंसान का मुश्किलें भी बढ़ने लगती है। ये नन्ही मछली शरीर के इंटरनल पार्ट्स में हमला करने के अलावा शरीर में मौजूद खून को भी नुकसान पहुंचाता है, और अगर समय रहते इसे शरीर से नहीं निकाला गया तो ये जान भी ले सकता है। नंबर 5, बुल शार्क। बुल शार्क शार्क के अन्य प्रजाति के तरह ही एक खतरनाक जीव है। ये 3.3 मीटर तक बढ़ सकती है और इसका वजन 310 किलोग्राम तक हो सकता है। बुल शार्क साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकती है। बुल शार्क भी एक खतरनाक जीव है, जिसे मौका मिलते ही छोटे मछलियों के साथ साथ ये अमेजोन रिवर में रहने वाले बड़े जानवरों पर हमला करते देखा गया है, और कई बार इसे इंसानों पर हमला करने का कोशिश करते भी देखा गया है।
नंबर 4 इलेक्ट्रिक ईल, ये कैटफिश का एक प्रजाति है। इलेक्ट्रिक ईल का एक खासियत ये है कि ये अपने शरीर से बिजली का झटका प्रोड्यूस कर सकता है। जब इसके आसपास कोई मछली आ जाता है तब ये एक बिजली का झटका छोड़ता है जिससे मछली मर जाती है और फिर ये उसे आराम से खा जाती है। ये मछली 2.5 मीटर तक बढ़ सकती है। इलेक्ट्रिक ईल फिश अगर गुस्सा हो जाए और अपने पर आ जाए तो ये इंसान क्या बड़े से बड़े जानवर को भी मार सकता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से 800 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। नंबर 3 रेड बेलिड पिराना। अमेजोन रिवर में पिराना का 20 प्रजाति से भी ज़्यादा प्रजाति पाया जाता है। रेड बेलिड पिराना करीब 12 इंच तक बढ़ सकती है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइएगा क्योंकि ग्रुप में रहने वाला ये मछलियाँ भूख लगने पर बड़े से बड़े जानवरों को चंद मिनटों में सफाया कर सकती है। पानी में तैरने वाला जीव का चंद मिनटों में नामो निशान मिटा देते हैं। इसका कारण है पिराना फिश का मजबूत जबड़ा और धारदार दांत जो किसी भी जीव को चीर फाड़ कर रख सकती है। नंबर 2 पायरा। ये मछली दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई पड़ता है। जितना भयानक ये दिखाई पड़ता है उतना ही ज़्यादा ये खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये मछलियाँ अपने से आधे आकार वाले मछलियों को मौका मिलने पर बड़े आराम से मार कर खा सकती है। इसका लंबाई 1.2 मीटर तक हो सकती है। इस मछली का जबड़ा बहुत ही मजबूत और दांत नुकीले और तेज धारदार होते हैं। ये मछली पिराना मछली को बड़े चाव से खाता है। नंबर 1 पाकू। अमेजोन रिवर में पाई जाने वाली इस मछली का दांत इंसानों की तरह दिखाई पड़ता है। देखने में ये मछली बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पाकू दूसरे जीव को खाने के बजाय ये फल खाता है। ये एक शाकाहारी मछली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि ये कई बार इंसानों पर हमला किया है और जिससे इंसानों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा है। यही वजह है कि हमें अमेजोन रिवर में मौजूद एनिमल से दूर रहना चाहिए, वरना हमें बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा एनिमल सबसे खतरनाक लगा कमेंट करें, और एनिमल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।